सो हेलो गाइस, नरमा का बहुत बहुत स्वागत है। यह पास 220 है। इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इसका जो भाइजर है इसमें बहुत ज़्यादा साउंड आता है। एक्चुअली इसका ये प्रॉब्लम है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास न्यू 220 है, ये तो BS3 मॉडल है, तो न्यू 220 है तो साउंड नहीं आएगा। मैंने 220 भी चलाया था, कोई भी इसमें साउंड वगैरह कुछ नहीं आता, बिल्कुल टाइट फिटिंग होता है। बट जो भी आपका बाइक हो 220 जैसा भी हो, मतलब 2 साल 2.5 साल होने के बाद इसमें से साउंड आना चालू हो जाता है। कैसे इस भाइजर को ओपन करते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ऑलरेडी मैंने इसका टैंक वगैरह सब कुछ उतार दिया है। ये मैंने थोड़ा बहुत कलर वगैरह कर दिया था, डैशबोर्ड का देख सकते हैं कलर वगैरह थोड़ा बहुत कर लेता, तो मतलब अच्छा लग रहा है। अब ये काम करते हैं, इसका भाइजर निकालते हैं प्रॉपर, देखते हैं दिखाऊँ कैसे इसको भाइजर वगैरह निकालना है। और मैंने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जितना भी गैपिंग वगैरह उसमें मैंने एनामोन फिल किया था। ये एक्चुअली लिक्विड टाइप का होता है और सेमी लिक्विड, ये जमने के बाद पूरा रबर फॉर्म कर देता है। तो मैंने सोचा इसका वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा। मैंने यहाँ फिल किया था, इस कैप में साउंड आ रहा था, यहाँ पे मैंने फिल किया। एक्सपेरिमेंट लगभग 50% सफल रहा, बट प्रॉपर तरीके से मैंने नहीं किया था। तो आज किसी ने इसको प्रॉपर तरीके से ओपन करेंगे पूरा भाइजर, देख मैं आपको वाइब्रेशन फिल कराऊंगा कैसे इसका वाइब्रेशन रिमूव करते हैं। और क्या मैं जुगाड़ लगाने वाला हूँ इसका जो हैंडल का वाइब्रेशन और इसका जो पीछे का ये वाला सिस्टम देख रहे हैं, टेल लाइट का, इसमें वाइब्रेशन आता है इसका वाइब्रेशन कम करने के लिए। मतलब मेनली इसका वीडियो वाइब्रेशन के ऊपर होने वाला है, कैसे हम भाइजर का वाइब्रेशन फिटिंग करें। और 220 एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, बट वाइब्रेशन प्रॉब्लम दो तीन साल बाद आ ही जाता है। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ये वाला डीवी भाई राउंड इंस्टॉल किया था, इसको खोलेंगे 1, 2, 3 और उस साइड 3 स्क्रू है, उसके बाद ये निकल जाएगा। और जो मैंने एनामोन फिल किया था वो रबर की तरफ चिपक चुका है, मतलब ये काम तो कर रहा है। नेक्स्ट डैशबोर्ड में जितने भी स्क्रू वगैरह है उसको खोलना है। इधर 1, 2, 3, 4 हैं, उधर भी 4 है। और 10 नंबर का बोल्ट मैंने अलग से लगाया था, इस जगह पर ऐसा स्क्रू रहेगा। ये वाला सिस्टम टूटा हुआ है इसका, इधर भी स्क्रू रहता है बट अभी नहीं है। राइट, डैशबोर्ड के सारे नट्स वगैरह खोलने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और मैं आपको इधर दिखाया था। इसमें देखो 2 नट जो कि मिरर माउंटिंग के लिए होता है, मिरर हाथों हमने हटा दिया था। तो इसको ऐसे प्रेस करते हुए, ज़्यादा प्रेस नहीं करें टूट जाएगा, इस 2 नट को खोलना है। और सेम इसको भी प्रेस करते हुए इसको खोलना है, इसमें नट रहता है। कुछ इस तरीके से रहते हैं और इसके अंदर रबर का ओरिंग दिया रहता है ताकि वाइब्रेशन बिल्कुल कम हो। सो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और इसमें देखो नंबर प्लेट है और नंबर प्लेट माउंटिंग है। तो इसमें 10 नंबर का 2 बोल्ट है, इसको खोलने हैं, उसके बाद हमारा जो नंबर प्लेट है ब्रैकेट बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो बेस प्लेट देख रहे हैं इसमें एक्चुअली 4 स्क्रू हैं, 1, 2 और 3, 4 इस स्क्रू को खोलेंगे तो हमारा ये वाला नीचे का बेस प्लेट है प्लास्टिक का वो ही बाहर आ जाएगा। नीचे देखो 8 नंबर के ये बोल्ट है, ये रहा, और इस साइड ये रहा 1 और 2, इसको खोलते हैं बस। नीचे का और कुछ नहीं खोलना है, ऊपर में 2-3 नट है तो लगभग बाहर आ चुका। और इस साइड 8 नंबर के एक बोल्ट और इस साइड बोल्ट। और इस साइड का जो माउंटिंग है इसमें तो नट है ही नहीं, तार से बंधा हुआ है, इसको काट देते हैं। उसके बाद सिंपली निकालना है इस डैश कवर को, उसके बाद इसको अंदर नट रहता है उसको खोलना पड़ेगा। और अभी इसका जो डैशबोर्ड है उसको खींच के बाहर निकालना है क्योंकि इसके अंदर नट रहता है, प्रोसेस देख लो। इसके नीचे 10 नंबर का 2 बोल्ट रहते हैं उसको खोलना पड़ेगा, तब जाके ये डैशबोर्ड बाहर निकलेगा। अदरवाइज ये अटक रहा है, देखो सब कुछ ओपन हो चुका है बट फिर भी अटक रहा है। मैं आपको नीचे वाला 2 बोल्ट लगा दूँ, 10 नंबर का जस्ट 2 बोल्ट है, 1, 2, फिर ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। 1 बोल्ट 10 नंबर का और इस साइड के ये वाला 10 नंबर का बोल्ट खोलना पड़ेगा।
और अभी इसके अंदर सिर्फ दो ही बोल्ट बचे हैं, एक तो ये रहा देख सकते जहाँ पे भाई जो टाइट हो रहा है, और ये रहा। और लास्टली यहाँ पे एक स्क्रू रहते हैं, और यहाँ पे एक स्क्रू है जो कि ये वाला स्क्रू मिसिंग है, तो हम स्क्रू को खोल देते हैं। और गाइस हमारा पूरा वाइजर कंप्लीट हमने खोल दिया है। ऐसे अगर आप खोलेंगे तो आपका हेडलाइट माउंटिंग रह जाएगा, तो इस पूरा स्ट्रे को खोलने के लिए एक दो इसको खोलेंगे, 12 नंबर का होता है आई थिंक। और यहाँ पे एक है इसमें ये वाला 12, और यहाँ पे 12 आई थिंक 13 हो सकता है, तो एक दो और यहाँ पे एक दो तो खोलेंगे तो मीटर ट्रे बाहर आ जाएगा। तो मीटर ट्रे मुझे बाहर नहीं लाना है, मुझे ऐसे ही देखना है कि वाइब्रेशन एक्चुअली 220 में आता कहाँ से। तो अभी बाइक का हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो देखो पूरा टाइट लग रहा है, कोई भी साउंड नहीं है। अभी बाइक को हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और देखेंगे वाइब्रेशन एक्चुअली आता कहाँ से। बाइक स्टार्ट हो गया, जैसे कि इसमें मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है, बट इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा। अभी अगर आप इस तरीके से 220 चला हुआ ना तो कोई भी साउंड नहीं आएगा, और पीछे के देखो पीछे लगभग कोई साउंड नहीं है, सिर्फ ये वाला आपका टेल लाइट लूज हो जाता है देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ गम देना है या फिर डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये फिक्सिंग हो जाता है। इसमें ज़्यादातर साउंड इधर से आता है, तो ये लगे लूज हो जाता है ये वाला देखो, जिसको इससे गैप में रबर दे देंगे तो सही हो जाए। बाकी इसमें कोई साउंड आता नहीं है, पैनल वगैरह तो सही है, मेनली इस जगह से वाइब्रेशन आता है, पूरा हिलता है। और लाइट ये इसका फेयरिंग, सबसे पहले हम इस फेयरिंग का जो भी नट वगैरह है इसको वाइब्रेशन रिमूव करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद इसका मीटर स्ट्रे का जो वाइब्रेशन है उसको सही करेंगे। उसके बाद ये वाला जो फ्रेमिंग है इसमें कौन कौन सा टेपिंग यूज़ करना, कौन सा रावर पैकिंग यूज़ करना है उसका फिटिंग करेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें 3 स्क्रू आते हैं, बट एक स्क्रू मिसिंग नहीं है, ऐसे ही आता है। 3 स्क्रू को खोलने के बाद इसके अंदर पैकिंग डाल के इसको सही करेंगे। साउंड नहीं आना चाहिए, देखो अजीब तरह का साउंड आ रहा है। पैकिंग दे दिया है, कोई भी साउंड नहीं है। और आप चाहो तो इस जॉइंट पे फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं, पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बिल्कुल कोई साउंड नहीं है। और सेम आपको दूसरे पैनल के साथ भी करना है। अभी इसका जो मीटर केस है इसके अंदर भी फसा बहुत वाइब्रेशन आता है, इसको कैसे फिक्स करना है देखो। ये 220 का मीटर देख सकते हैं, ओरिजिनल है, और इस दो नट को आपको टाइट करना है, 12 नंबर लगते हैं। जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सब कुछ आपको अप्लाई करना है, तभी आपका वाइब्रेशन लगभग 90% कम हो जाएगा। ये देखो एक्चुअली इसमें के अंदर फिटिंग होता है इस तरीके से, और इस डैशबोर्ड को ना ब्लैक कर दिया, तो इसके जो गैप देख रहे हैं पूरा गैप, इसमें हमको हो सकता है आप टेपिंग करो, हो सकता है वो डबल टेबल अप्लाई कर दो। और कंपनी से देखो इधर तक टेपिंग किया हुआ है, तो इसके नीचे से हमको टेपिंग करना है। ब्लैक कलर का टेप भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये वाला टेप दिखेगा नहीं जैसे हम जब इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये वाला जो एक्चुअली गैप है गैप में हमको टेपिंग देना है। हमारा मीटर कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर ये मैं देखो गैप में हल्का सा ब्लैक टाइप दिख रहा है, बिल्कुल साउंड नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो अभी मेन काम है जिस जगह पे टच हो रहा है आपका फ्रेम के साथ आपका वाइजर, उस जगह पर आपको डबल टैप का यूज़ करना है, एज वेल एज रबर का, इस तरह का रबर का भी यूज़ करना है, अलॉन्ग विद फेविक्विक यूज़ करना, तब ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, परमानेंट होगा। अदरवाइज सिर्फ डबल टैप का यूज़ करेंगे तो लगभग 5-6 महीने या 1 साल के बाद वही वाइब्रेशन, मतलब डबल टैप ख़राब होके वही हो जाएगा।
साहब को इस साइड भी हमने करना है और इस साइड फेयरिंग टाइट होता है, इस साइड भी करना है, दोनों साइड करना है। एक साइड करेंगे तो वही काम अधूरा रह जाएगा। और ये वाला सेम प्रोसेस आपको ये वाला जो देख रहे हैं इसके साथ भी करना है। तो ऊपर का माउंटिंग हो गया और ये वाला जो दो पॉइंट देख रहे हैं उस साइड भी है, इसमें वायर टच होता है यहाँ पे नट से, तो इधर भी हमको करना पड़ेगा। हमने इसमें डबल टेप के यूज़ किया है, उसके बाद इस होल्स के थ्रू हमने देखो एक ड्रिल मारा है। इसमें रबर का पैकिंग यूज़ किया है, रबर का पैकिंग इसलिए यूज़ करते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसको भी प्रोटेक्ट करेगा और हमारा जो वायर है उसमें वाइब्रेशन जीरो आएगा। और इस साइड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वाला स्क्रू टाइट होता है, तो ये वाला हिस्सा वायर से मतलब पूरा फिक्सिंग होता है लगता है, तो इसको हमें डबल टेप करते हैं, इसको हम बाद में उतार देंगे। और सेम ये वाला प्रोसेस ये वाला सिस्टम देख रहे हैं इसमें करना है, सेम ये वाला इस बेंड से इधर तक। और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसमें ज़्यादा टच नहीं होता है, तो हम इसमें इस एज कॉर्नर पे हम इसका डबल टेप, सिर्फ डबल टेप यूज करें, रबर का यूज करने की जरूरत नहीं है। गाइस टेपिंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस साइड में प्लास्टिक रहता है ठीक है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ डबल टेप का यूज़ किया है। ये पूरा मेटल के साथ टच होता है, डबल टेप प्लस रबर बिल्कुल फेविक से फिक्स कर दिया। और ये एक साइड नहीं है, दोनों साइड है, दोनों साइड ही करना पड़ेगा आपको। ये एक साइड है और ये वाला एक साइड, दोनों साइड, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद साइड में चलते हैं, साइड में देखो फेयरिंग टच होता है नीचे, और इस साइड पे नीचे कम टच होता है, इसमें ज़्यादा टच होता है। इसको हम नट से कसते हैं, तो इसमें हमने दोनों साइड ही रबर अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद इसका जो डबल टेप है वो किया है। उसके बाद अगर इस साइड आएंगे तो हमने यहाँ पे किया है अलॉन्ग विद वही सेम रबर प्लस डबल टेप, रबर प्लस डबल साइड टेप दोनों साइड किया है। और इस साइड हमने सिर्फ इसमें थोड़ा सा कम टच होता है, तो इसमें हमने डबल साइड टेप यूज़ किया है। आप डबल लेयर या ट्रिपल लेयर आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा टच होता है हल्का सा तो करते हैं। तो मेन जो वाइब्रेशन है आई थिंक रिमूव हो जाएगा। ये वाला जो वायर है ये लगा के देखते हैं हमने सही से काम किया कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया, वायर को लगाते हैं। और लास्टली ये वाला जो बॉर्डर देख रहे हैं, ये वाला बॉर्डर, इसमें हम ब्लैक टेप या फिर ब्लू टेप का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा, पैनल के बीच में जो जॉइंट है उसमें भी रबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके गैप में टेपिंग कर दिया है और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है और एक्चुअली शाम हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने व्हील को कलर कर दिया है, देख सकते हैं दोनों व्हील को हमने कलर कर दिए, इंजन के छोटे मोटे पार्ट्स हमने कलर कर दिए। और ये वाला डैशबोर्ड देख लो पूरा हमने ब्लैक कर दिया, रात में देखो पूरा हमने ब्लैक कर दिया, बहुत मस्त लग रहा है। और जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम था अभी बिल्कुल चला गया है, ये देखो इसमें पहले से बहुत थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आ रहा था, अभी कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पीछे से ये वाला सिस्टम किससे साउंड आ रहा है तो सिंपली इसको प्रेस करें और इसके बीच में आप डबल साइड टेप अटका दे तो पीछे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी पीछे से एक्चुअली इस जगह से ही साउंड आता है क्योंकि इसका जो लाइट है वो लूज हो जाता है। अभी साउंड आ रहा है, एक्चुअली में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको प्रेस करके इसके अंदर डबल साइड टेप लगा देंगे तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अभी वाइब्रेशन बिल्कुल कोई छाए नहीं, इंजन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल टाइट वगैरह मैंने सेट कर दिया था, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है और रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया हो चुका है।
बाइक को बंद करते हैं और इसका जो वाइब्रेशन था स्टीयरिंग वाला अभी बिल्कुल टाइट फिटिंग है। देख साउंड सुन लो, बिल्कुल टाइट फिटिंग है। और एक चीज़ बता दूँ, ये वाला जो गैप देख रहे हैं इस गैप में आप चाहो तो एनाबॉन्ड फिल कर सकते हैं, इसको थोड़ा कलर कर दो और ये साउंड वाला बंद हो जाएगा। अभी हमारा बाइक बिल्कुल रेडी हो चुका है, इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। अगर आपको वाला वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, और आप डेफिनेटली अगर आपके पास 220 है तो ये वाला मेथड ट्राई करो। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट एक बार कर लोगे तो भाई एक साल दो साल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चलेगा आपका बाइक। इस वीडियो को यही पेंट करते हैं, मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।